तो दोस्तों अभी देखिए, हमको जो है इसके अंदर से होके जाना है और काफ़ी डरावना जगह है। इसके अंदर सांप या फिर काफ़ी सारे बिच्छू जो है वो हो सकते हैं। मैं नेपाल का ही उसी नदी के किनारे हूँ और देखते हैं, मैं जाता हूँ इधर से। बहुत ही चैलेंजिंग जल्दी लग रहा है। ओह माय गॉड, ये देखिए मेरे पास सट में क्या हुआ है। यहाँ पर जो है ये कांटे का वृक्ष है जो कि बहुत गहरी रूप से हमें पकड़ लिया है और हाथ में एक दो गर भी गया है मुझे। ठीक है, कांटा की दिखाऊँ मैं तो दिखा दूंगा फिर बाद में। ये क्या है जी, ऐसी रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ ये ठीक है, ये डिस्कवरी वाली हाल है जी। मैं तो जाऊंगा इधर से, अब तो देखिए रास्ता इतना ही बंद हो गया है। हाँ हाँ, उधर कुछ नजर आ रही है। भाई साहब, यहाँ तो कुछ देर है जिसमें खराबी लगी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई है। और वो देखिए एक बिच्छू, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अंदर से उधर से उत्तर हो गया। तो कोई बात नहीं, इसको तो हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, तो हमें कुछ बिगाड़े नहीं। मेरा हाथ जो है फंस गया है इसके लिए मोबाइल। ठीक है भाई साहब, निकल गया। भाई साहब निकल तो गया, हम क्या करें। देखिए यहाँ रास्ता ही बंद है, यहाँ आ गया और यहाँ से नीचे की बात करें तो ज्यादा खाई है, लेकिन जो जाना है जाना तो पड़ेगा उधर। ठीक है भाई साहब, कुछ दिमाग लगाता हूँ मैं। क्या सोच रहा हूँ, पार्ट हो जाऊंगा। और सॉरी, अब मैं यहाँ से नीचे कूदने वाला। फिर से देखिए कांटा पकड़ लिया भाई। अरे छोड़ दे भाई, हाँ कर दिया, मेरे हाथों पकड़ लिया था कैमरा वाला। ठीक, अब मैं यहाँ नीचे कूदने वाला हूँ, तो भाई मोबाइल मत छोड़ना मेरे हाथों से। तो देखा, तो भाई साहब रास्ता तो मुझे मिल गया है, मेरा रास्ता। अब मैं इधर से चला जाऊँगा।